हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट राइट्स के बारे में जो वुमेन को इंडिया में अवेलेबल है। तो पहला राइट है राइट टू मेंटेनेंस। एवरी वुमेन हैज़ अ राइट टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड, चाहे वो साथ में रह रहे हों चाहे वो अलग रह रहे हों। मेंटेनेंस का राइट वुमेन को अवेलेबल है जब तक कि वो डिवोर्स के बाद दूसरी शादी ना कर ले। अब कौन से लॉज हैं जो मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं और किन लॉज के अंडर मेंटेनेंस मिली जा सकती है? तो सबसे पहले तो सेक्शन 125 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, जिसके तहत मेंटेनेंस की पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं और इसमें मेंटेनेंस आपको मिल सकती है। दूसरा जो कानून है जो मेंटेनेंस की बात करता है, स्पेशली अगर मैं हिंदूज की बात करूँ, दैट इज हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। इस ये भी प्रोटेक्ट करता है मेंटेनेंस की राइट को। देन द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005। ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी आप मेंटेनेंस के लिए जो है वो जो एप्लीकेशन है वो मूव कर सकते हैं और इसमें आपको रिलीफ जो है मेंटेनेंस मिल सकता है। देन एज पर सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, ईदर द वाइफ और द हस्बैंड कैन सीक मॉनेटरी असिस्टेंस। तो इसमें कोई स्पेसिफिकली ये नहीं है कि ओनली वुमेन कैन अप्लाई फॉर मेंटेनेंस। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में ये क्लियरली बोला है कि ईदर द वाइफ और द हस्बैंड कैन सीक मॉनेटरी असिस्टेंस, मतलब वाइफ से भी मॉनेटरी असिस्टेंस मिली जा सकती है और हस्बैंड से भी। अब ये डिपेंड करता है कि अर्न कौन कर रहा है। टू बी एलिजिबल फॉर दिस सपोर्ट, द पिटिशनर, दैट इज द पर्सन हु इज फाइलिंग द पिटिशन, मस्ट शो दैट दे डू नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम टू सपोर्ट देमसेल्फ। तो जो पर्सन मेंटेनेंस मांग रहा है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे पास इसके अलावा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इसीलिए मुझे अपनी लाइवलीहुड के लिए, बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए जो है वो मेंटेनेंस चाहिए। तो ये है पहला राइट जो वुमेन को अवेलेबल है, स्पेशली बात करूँ तो। इसके साथ साथ इस सीरीज़ में हम कुछ और भी वुमेन के राइट्स के बारे में बात करेंगे। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।